मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे एट टोरंटो कनाडा। और मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। मैं हूँ अभी कनाडा टोरंटो में और आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ टॉपिक को एरिया। इंडियन बाजार एरिया है, यहाँ डाउनटाउन से एक घंटा जाने में मेरे को लगता है। तो मैंने सबवे का जो टिकट है वो डे पास एक परचेज़ कर लिया है $13 का, $13 का। और उसके बाद अभी मैं सबवे पे ही हूँ, जैसा कि आप मेरे बैकसाइड पे देख रहे हैं। दो दिन यहाँ पर पूरा स्नो स्टॉर्म था और वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर आज बहुत अच्छा सनी डे है और उम्मीद है सारा दिन ऐसी धूप खिली रहेगी। बाहर का नज़ारा आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जैसे ही टोपिक को पहुँच जाता हूँ। दो दिन से तो मौसम ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ अपने होटल के अंदर ही रहे और बाहर ना निकले, पर फिर भी मैं अपने पिछली वीडियो में देखा भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं राइड करके जो है अभी इटोबिकोक एल्बियन एरिया है, ये इस्लिंगटन एवेन्यू कहते हैं इसे, और मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। काफ़ी इंडियन स्टोर्स और शॉप्स हैं, ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं। और अगर आप टोरंटो घूमने के लिए आ रहे हैं तो डाउनटाउन से ये लगभग कार पर आपको 30 मिनट्स और बाय बस और बाय सबवे मेट्रो पर आपको 1 आवर लगभग लग जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ की बाज़ारों की रौनक। वेदर क्लाइमेट जो है वो एकदम से फिर चेंज हो गया है, अभी धूप खिली हुई थी और जैसे कि आप वीडियो में चेक कर रहे हैं एकदम से वेदर चेंज हो गया है, ठंड हो गई है। और के अंदर आके मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं कनाडा के अंदर हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंडिया के अंदर ही हूँ। और यहाँ पे सब तरह की सब्जियाँ जो है जो इंडिया में देखने को मिलती है वो सब ऐसा ही सामान यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप बैकग्राउंड पे चेक कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से घूमने या स्टूडेंट जो कनाडा आ रहे हैं तो ये इटोबिकोक एरिया है, इसमें इस्लिंगटन। तो आप यहाँ पर इंडियन बाज़ार जो है वहाँ पर आके कोई भी सामान जो है अपनी चॉइस का
खाने पीने का वो इन स्टोर से इजीली खरीद सकते हैं। इसी का गोलगप्पे खाने का भी मन है कनाडा के अंदर, तो वो आपको भी मिल जाएंगे। ये बने बनाए गोलगप्पे हुआ, ये पैक पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो पानी बनाइए और गोलगप्पे यहाँ पे भी इंजॉय लीजिए कनाडा के अंदर। और ये सब जो बिस्कुट है ये आप चेक कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा स्टोर के अंदर आके कि मैं कनाडा के अंदर हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं इंडिया के किसी सुपर स्टोर के अंदर घूम रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है उसके आने के बाद यहाँ पर इन चीज़ों की जो डिमांड है वो काफ़ी हाई लेवल पर हो गई है, जिसके कारण ये स्टोर्स में सारा इंडियन सामान जो है ये भरा हुआ है। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी की सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट जो लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ है, थोड़ा सा हार्ड वर्क तो है, पर अगर हार्ड वर्क से भी इंसान सेटल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप देख ही रहे हैं सामान सारा कैसे लगा हुआ है। ये बनी बनाई चपाती जो है ये भी यहाँ पर रखी हुई है, गरम करो और इसको खा लो। विजिट करने के बाद मैं डाउनटाउन आ गया हूँ, और कनाडा के बारे में कहते हैं कि 5 मिनट में यहाँ पे वेदर बदल जाता है, तो सुना बहुत था पर आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर ही स्नो जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। सुबह मॉर्निंग में धूप थी बहुत ज़्यादा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल भैया। सत श्री अकाल जी, ये सुन लो भाई। भैया हाँ जी हाँ जी, और आज का सारा दिन जो है वो काफी अच्छा बीत गया है। उम्मीद आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री में हो जाता है। और ऐसी मैं नई नई जगह से वीडियो जो है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाता रहूँगा।